बीडीएम भाई देख लो, आज मैं भी पिकअप पे व्लॉग बना रहा हूँ। देखते हैं फिर गाड़ी अपनी कब रिलीज होगी उधर से, अभी ये कोई पता नहीं। और भाई दिल से आपका शुक्रिया, मैं व्लॉग लेट चढ़ाता हूँ बट आप लोग पूरी सपोर्ट करते हैं, लव यू दिल से। तो भाई वापस पहुंचा है थाने के पास। ओ भाई साहब देखो, तो भाई साहब ने पूरा और भाई नया से फिर से तैयार होने लग गया, तो हम अभी पुराना ही डोर है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीबू खान। आई होप सब अच्छे से होंगे, मजे में होंगे एंड बहुत ही बढ़िया होंगे। का दीबू भाई लेके आ गया एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग ही समझो। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि भाई थाने में थे, तो अभी भी जस्ट थाने में, तो शमीम भाई गए कोर्ट में, शायद सो पर गए हुए, तो मैं अभी इधर ही हूँ भाई, क्या बोलते हैं, शॉर्ट टैंक से थोड़ा पीछे भाई, जो सो पर बारामूला श्रीनगर हाईवे है उसी पे। तो अभी जस्ट उठे मैं अभी जस्ट उठा शमीम भाई तो सवेरे चले गए थे, अभी मैं फ्रेश होके आ गया थाने में हूँ। तो अब थोड़े समय बाद देखते हैं गाड़ी छोड़ेंगे, तो अभी मैं जाऊँगा भाई एक गाड़ी, इस गाड़ी की नंबर प्लेट है जो वो लाने जाना है यहाँ से पंथा चौक, तो आ रही है अपने लिए दूसरी गाड़ी टाटा मोबाइल, एक पिकअप अपनी कंपनी की, उसी के साथ जाऊँगा यहाँ से वहाँ तक। तो और हाँ, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इंस्टा पे फॉलो कर दें। तो चलो आपका भी ज़्यादा समय ना गंवाते हुए करते हैं आज का व्लॉग यहीं से कंटिन्यू। ये देखो जी बाहर का नज़ारा ऐसा है, इस वाली हाईवे पे हूँ मैं जो कि उड़ी मुजफ्फराबाद एंड श्रीनगर को आपस में टच करती है। तभी जाते हैं होटल पे, पीते हैं पहले चाय। ये रहा भाई अपना पिकअप वाला उस्ताद जो यहीं अपनी कंपनी में काम करता है। तभी जाएंगे भाई हम नौगाम, वहाँ से नंबर प्लेट लानी है गाड़ी की, तो फिर देखते हैं, नंबर प्लेट खुद ही लगानी पड़ेगी आज, तो तब तक गाड़ी भी रिलीज हो जाएगी, तो फिर देखते हैं लोडिंग कहाँ की करेंगे। और आप थोड़ा बाहर का व्यू देखें, ग्रीन टनल दिख रहा है पूरा। तो पहुंचा है भाई नौगाम सदाबहार पंप पे, तो देख सकते हैं बाइक कितनी बढ़िया रखी हुई है भाई, और 1.5 वर्जन 3 से भी कुछ अलग ही है। तो ये रही अपनी गाड़ी, इसी में आए थे, तो अभी देखते हैं नंबर प्लेट वाला बंदा भी यहीं पे आएगा, तो फिर निकलेंगे यहाँ से भाई नंबर प्लेट लेके। तो आज बीडीएम भाई देखो, आज आपकी तरह पिकअप में व्लॉग हो रहा है। बीडीएम भाई देख लो, आज मैं भी पिकअप पे व्लॉग बना रहा हूँ, पहली बार आज मैंने पिकअप पे व्लॉग बनाया है, और श्रीनगर सिटी में घूम रहे हैं। तो नंबर प्लेट भाई अभी हम जहाँ आए थे वहाँ नहीं लेनी है, अब वापस शॉर्ट टैंक पहुँच के एचएमटी के एरिया में वहाँ से लेनी है। तो भाई ने बोला थोड़ा आप चेक कर लो गाड़ी चला के, मैंने बोला मैं भी देखता हूँ आज पिकअप पे क्या फीलिंग आ रही है। बढ़िया फीलिंग है भाई, पावर तो बहुत बढ़िया है पिकअप का भी, चार चक्की में हुआ, चार चक्की। तो वापस पहुंचा है भाई शॉल टैंक, एचएमटी भी बोलते हैं यहाँ को, ये देख सकते हैं यहाँ से अपने बांडीपुरा का भी बोर्ड होगा 59 किलोमीटर। तो इस पंप पे गए अब भाई साहब, जो बंदा है वो इधर है, वो उससे लेंगे नंबर प्लेट, तो वहाँ से अंदर जो है भाई राइट हैंड मुड़ेंगे तो बांडीपुरा की तरफ है रास्ता। तो पिकअप अभी तक मैं ही चला रहा था, तो अलग ही फील है पिकअप चलाने का भी, अपना ही अंदाज है। तो चलो अब लेंगे नंबर, उसके बाद फिर जाएंगे भाई थाने में सीधे, देखते हैं फिर गाड़ी अपनी कब रिलीज होगी उधर से, अभी ये कोई पता नहीं। और भाई दिल से आपका शुक्रिया, मैं व्लॉग लेट चढ़ाता हूँ बट आप लोग पूरी सपोर्ट करते हैं, लव यू दिल से भाई। लव जरा रिपोर्ट मत दिए, ना 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 हा? वो किल किल। तो देख सकते हैं भाई नंबर प्लेट ले ली, तो भाई साहब निकल गए अब यहाँ से हम फिर। तो भाई वापस पहुंचा है थाने के पास। ओ भाई साहब देखो, तो भाई साहब ने पूरा अटैक कर दिया था, तो वापस पहुंचा है हम, तो अभी भाई जाएंगे ऑफिस, तो मुझे यहाँ ही जाना है थाने में।
तो क्या पता इधर अंदर फोन अलावट करेंगे आज या नहीं करेंगे, तो मिलेंगे फिर बाद में भाई आपसे। तो भाई अब जाएंगे ऑफिस में, तो अभी तक पिकअप मैं ही चला रहा था, तो मिलेंगे ट्रक पे भी जल्दी। मैं खाया खाना भी, तो वो मैं नहीं दिखा सका क्योंकि मैस में आपको पता है फोन अलावट नहीं है। तो अभी शमीम भाई भी कॉल कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई अपना हो चुकी है गाड़ी भी रिलीज, तो अब जब वो यहाँ पहुँचेंगे, अभी तो वो सोपर में, जैसे वो यहाँ आएंगे फिर यहाँ से निकल जाएंगे, देखेंगे कहाँ के लिए निकलेंगे, देखते हैं लोडिंग कहाँ की मिलती है, खाली जाएंगे या लोड करके जाएंगे, वो सीन अभी मुझे खुद भी पता नहीं। तो फाइनली भाई बज रहे हैं 4, तो गाड़ी हो चुकी है रिलीज अपनी, तो अब यहाँ से जाएंगे, देखते हैं पुलवामा जाना है कि शोपियां जाना है वो अभी पता नहीं है, तो अब निकालते हैं गाड़ी एक बार यहाँ से, तो फिर मिलते हैं रोड पे आपको एक ही बार। पहुंचा है भाई श्रीनगर फ्रूट मंडी के पास, तो अब पहले पियेंगे भाई चाय, क्योंकि शमीम भाई ने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने तो खाना खाया था, तो अब पीते हैं चाय पहले, उसके बाद फिर देखते हैं आगे शोपियां जाना है कि पुलवामा, ये अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ। ऊपर से शमीम भाई के हाथ में भी थोड़ी बहुत लग गई, इको स्पोर्टर जब बंद कर रहा था तो डोर के नीचे आ गया हाथ उसका, लग गई हाथ में। पहुंचा है भाई पंथा चौक, तो अब यहाँ पे है जो भारत बेंज का शोरूम, देख सकते हैं आप, तो यहाँ से लेंगे केमिकल, क्योंकि गाड़ी में केमिकल नहीं है भाई, केमिकल लेंगे फिर, केमिकल डाल देंगे आगे, है केमिकल बट कम है, इमरजेंसी के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ से अभी जाएंगे भाई शोपियां, फिर वहाँ जाना है कोल्ड स्टोर में, वहाँ से करेंगे लोडिंग, पता नहीं कहाँ की मिलेगी, तो चलो पहले केमिकल लेते हैं। वाली रोड पे चढ़ चुके हैं हम अभी जेस्टी, तो अभी हमें शोपियां पहले जाना था, अब शोपियां नहीं जाना है, कॉल आई कि आप लासीपुरा ही जाओ कोल्ड स्टोर में, वहीं से कर लो लोड, तो ये नहीं बोला है, लोडिंग तो एप्पल होगी सेब, तो ये पता नहीं है कहाँ की लोडिंग है, तो अभी जेस्ट जल्दी से जाएंगे। अभी इधर रुके भाई, क्योंकि बाइक की जो ये वाली अंगली थी ये खिड़की के नीचे आके दब गई थी, अभी मेडिकल शॉप मिला वहाँ से थोड़ी मेडिसिन लेंगे, तो फिर जाएंगे भाई हम अपने कोल्ड स्टोर में, करेंगे लोडिंग वहाँ से, मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि भाई जाएं गाड़ी के साथ बाहर, पता नहीं क्या सीन है भाई, बिल्कुल भी ना मन ही नहीं कर रहा है जाने का, पर क्या करें भाई, जाना तो ज़रूरी है। तो फाइनली भाई हो चुके हैं इंटर इंडस्ट्रियल एरिया, ये देख सकते हैं आप लासीपुरा, तो अभी देखते हैं कौन से स्टोर में जाना है, व्यू देखे भाई बढ़िया, आज गाड़ियां कम ही हैं, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा आई थी लोडिंग के लिए, और भाई नया सेब फिर से तैयार होने लग गया, तो हम अभी पुराना ही डोर हैं हमारा, ये ख़त्म करने तक फिर से मतलब नया सेब रेडी हो जाएगा। तो पहुंचा है भाई शाहिन शाह कोल्ड स्टोर में, ये रहा कोल्ड स्टोर और गाड़ी लगा दीजिए, तब रात को शायद लोड नहीं होगा, तभी जाते हैं भाई, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं लाई, और रोटी वगैरह लाते हैं, चाय भी बनाते हैं, तो बाहर का व्यू देखें पूरी भाई, बरसात सर पे है, जैसे अभी जस्ट ऐसी फील हो रही है कि बादल फटने वाले हैं, देखो पूरे काले काले बादल, और कोई गाड़ी नहीं है बगैर हमारी गाड़ी के, शमशान। तो जाते हैं पहले दुकान पे भाई, लाते हैं कुछ, रात का इंतज़ाम करते हैं, आज बनाएंगे खाना भी गाड़ी में। ये रहा कोल्ड स्टोर, काफ़ी बड़ा है, तो अभी काफ़ी पैदल भी जाना है शॉप तक। ओ भाई साहब ये देख सकते हैं पूरे ना
आधा घंटा चलने के बाद मतलब फिर से वापस पहुंचा गाड़ी के पास, वो रही गाड़ी और सब्जी भी ले आया। तब बनाते हैं सब्जी पहले। तो भाई बज रहे रात के 10, तो खाना अपना भी हो गया अच्छे से, तो लोडिंग तो नहीं हुई अब रात को, तो देखते हैं। अब बोल रहे हैं कल करेंगे, तो कल ही पता लगेगा कि लोडिंग भी कहाँ की है। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो रखते हैं आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक और अनदर व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो एंड अपने दीबू भाई को सपोर्ट बनाए रखो। बाकी लव यू दिल से ऑल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।